नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे शाही शादी की, एक ऐसी शाही शादी जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हुई। ये हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार श्री जितेंद्र जी। सर, ये बताइए कैसी ये शादी थी शाही हमारे दर्शकों को। 73 साल पहले 1948 में जयपुर की राजकुमारी प्रेम कुमारी उर्फ मिक्की बाईसा की शादी उस जमाने में संसार की सबसे अधिक खर्चीली और चर्चित शादी थी। ये शादी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में संसार में सबसे ज्यादा खर्चीली शादी के रूप में दर्ज हुई थी। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जी की पुत्री प्रेम कंवर की शादी गुजरात में बारिया महाराजा जयदीप सिंह जी के साथ 27 मई 1948 को जयपुर में हुई थी और इसकी फोटोग्राफी के लिए विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर कार्टर ब्रेसन को फ्रांस से जयपुर बुलाया गया था। ब्रेसन के चित्र अमेरिका की लाइफ, गार्जियन, लंदन टाइम्स और इलस्ट्रेट वीकली में कई दिनों तक छपे थे और इस शादी की जबरदस्त पूरे संसार में चर्चा हुई थी। ब्रेसन ने शादी के बाद भी जयपुर में रह करके फोटोग्राफी की। उनके चित्रों का एल्बम ब्यूटीफुल जयपुर के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। शादी के बारे में लाइफ मैगजीन ने लिखा था कि संसार की सबसे खर्चीली, भव्य, मनमोहक और व्यवस्थित रूप से आयोजित इस शादी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विवाह में शामिल रहे दिवंगत ठाकुर राजवीर सिंह जी ढूंगलोद ने बताया था कि उस दौर में हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म अभिनेता मोतीलाल भी शेरवानी और साफा पहन के बारात की अगवानी करने के लिए आए थे। जयपुर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सिया सरण जी लश्करी, उनके पास में एक रिकॉर्ड मौजूद है इसका। उसके मुताबिक 26 मई 1948 को बारिया से जयपुर आई बारात को रामबाग के शाही महलों में ठहराया गया था। अभिजीत मुहूर्त में लगन आदि दस्तूर सिटी पैलेस में हुए और उसके बाद अल्बर्ट हॉल में सामेला का दस्तूर हुआ। उस दिन सारा जयपुर रोशनी से नहाया हुआ था। देश की अनेक रियासतों के राजा महाराजा, सामंत और विदेशी मेहमान शाही पोशाक में थे। राजस्थान के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में बिड़ला जी, बांगड़, डालमिया, रुइया आदि भी इस विवाह में शामिल हुए थे। बारात के सिटी पैलेस पहुंचने पर नाहरगढ़ से तोपों की सलामी दी गई, हवाई जहाज से पुष्पों की वर्षा की गई, आतिशबाजी की कला का प्रदर्शन पूरी देर रात तक चलता रहा और पूरा जयपुर इस शादी के अंदर जगमगाता रहा। बरसों बाद किसी राजकुमारी का ऐसा विवाह करने के लिए महाराजा ने दिल खोल करके खर्चा किया था। शाही भोज, मनोरंजन आदि सभी आयोजन अभूतपूर्व शानोशौकत के थे। दिवंगत राजमाता गायत्री देवी जी ने इस विवाह के बारे में लिखा कि संभवत रियासती भारत की चकाचौंध का यह आखिरी भव्य प्रदर्शन था। बारात के लिए राज परिवार ने रामबाग को खाली कर दिया था। इतिहासकार प्रोफेसर राजेंद्र सिंह खंगारोत ने का कहना है इस बारे में कि 7 दिन तक चले विवाह समारोह के कार्यक्रमों की 2 इंच मोटी मार्गदर्शन पुस्तिका रियासत की प्रेस में छपी थी। राजपूती वेशभूषा के सुनहरे रंगों और संगीत की महफिलों ने विवाह में 4 चांद लगा दिए थे। शादी के दिन जयपुर की जेलों से कैदियों की रिहाई भी की गई। ऐसा था ये विवाह। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र जी आपने। तो दर्शकों, ऐसी थी शाही शादी और बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।